हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडिसा स्कूल क्लासेस। आज क्लास रे हमें मैथमेटिक्स रा आउ किछि क्वेश्चन डिस्कस करबा, जोटा कि ज्योमेट्री चैप्टर रु ही रहइबो। आ प्रीवियस क्लास रे भी हमें ज्योमेट्री रो किछि क्वेश्चन डिस्कस करथिले। यदि आपण माने से क्लास देखिनांते तो आपण मानको प्लेलिस्ट रे वीडियो मिलि जइबो, जोटा कि मैथमेटिक्स कंटेंट नारे जो प्लेलिस्ट गोटे अछि से प्लेलिस्ट देखंतु। प्लेलिस्ट ओपन करले आपणको से वीडियो मिलि जइबो, जोटा कि प्रीवियस क्लास रे वीडियो। आ आज हमें आउ किछि क्वेश्चन डिस्कस करबा, सेति पय आपण माने वीडियो टाको फास्ट टू लास्ट जाय निश्चित रूपे देखिबे, जहा आम जहाँ भी सब क्वेश्चन डिस्कस करवा से क्वेश्चन सब आपर प्राक्टिस जहाँफल ये टाइप रि क्वेश्चन आपर एंट्रेंस आसो तो आप आराम से करें से क्वेश्चन सबर आंसर। तो देखो फास्ट क्वेश्चन कौन दे फास्ट क्वेश्चन दे दुईट परस्पर छेदी रेखा द्वारा गठित गोटे जोड़ा प्रतीप कोण पचार गोटे जोड़ा प्रतीप कोण जदि सूक्ष्म कोण होड़ा प्रतीप कोण मध्य से जो अन्य जोड़ा प्रतीप कोण से निम्नोक्त मध्य केउटी हम मानने एमती जब कन्फ्यूज हे कौन पचार बुझीपार नए तो सांगे सांगे आम डायग्राम ड्र करदे जोटा कि डायग्राम ड्र करदे आपजे बुझीजे क्वेश्चन टा प्रकृत में कौन पचार। तो देखते जो ये दुईट परस्पर छेदी रेखा द्वारा दे गोटे जोड़ा प्रतीप कोण को सूक्ष्म कोण दे तो आम जदि गोटे गोटे जोड़ा प्रतीप कोण ये आम कले तो आर गोटे जोड़ा दे सूक्ष्म कोण तो ये दुईट आमर सूक्ष्म कोण आईटा हूँ प्रतीप कोण यही कोणर प्रतीप कोण हूँ यही कोण तेल ये दुईट हूँ सूक्ष्म कोण सूक्ष्म कोण यही जोड़ा प्रतीप कोण हूँ सूक्ष्म कोण तेल अन्य जोड़ा प्रतीप कोण देखते आमर यहाँ गोटे प्रतीप कोण आउ गोटे यहाँ हूँ प्रतीप कोण मैंने आर यहाँ हूँ प्रतीप कोण तेल यहाँ गोटे जोड़ा तेल देखो ये आम क्यों कोण हूँ सूक्ष्म कोण ना समकोण स्थूल कोण ना सरल कोण तो सूक्ष्म कोण तो केवे हेनी आमर जो आम कोणटा हूँ एमती जोटा कि आमर एमती हूँ कोणटा तेल एमती जेहतु कोणटा हूँ यहाँ आमर क्यों कोण जोटा कि आमर हो स्थूल कोण हो कहीं यहाँ आमर सीधा ना कि सीधा 90 डिग्री तलूक भी ना 90 डिग्री उपरकू अच्छी यहाँ भी आम 90 डिग्री उपरकू अच्छी तो सहीटा आमर हो स्थूल कोण। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कौन दे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कोणटी निजर अनुपूरक से कोणटर परिमाण केते जो कोणटी निजर अनुपूरक आमर ऑप्शन 15 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री ना 60 डिग्री तेल अनुपूरक आम जानचे दुईट कोणर परिमाणर समष्टि मिसिक 90 डिग्री हेले सेटाकु आम अनुपूरक कोण कही था तो 15 डिग्री जदि आम 15 डिग्री से हेनी 15 रे 15 मिसले आमर 30 माने एठी आमर आंसर हो 45 डिग्री कहीं 45 डिग्री अनुपूरक कोण से 45 डिग्री कहीं 45 डिग्री में 45 डिग्री आम आड हेले आम 90 डिग्री होता है तो से आंसर ऑप्शन सी। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कौन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दुईट परस्पर परिपूरक कोण मध्य गोटिकर परिमाण अंटर परिमाणर पांच गुण हेले कोण दुईटर परिमाण आमको पचार तो आम जानचे आम परिपूरक कोण केते बेले कही था मानने दुईट जगार कोणर समष्टि जिते बड़े मिसिकी आमर 180 डिग्री होता तो आम कही था कोण दुईट परिपूरक कोण तो ये आमको दे गोटिकर परिमाण अंटर परिमाणर पांच गुण तो गोटा को नहीं जातु एक्स आउ गोटा को नहीं जातु 5x जोटा कि मिसिकी आम एक्स प्लस 5x हो 180 डिग्री जोटा कि 6x इक्वाल टू 180 डिग्री हम जोटा कि आम सल्व करदे आम बाहर जब 6x इक्वाल टू 180 डिग्री से आम एक्स पाई 30 डिग्री आउ पचार अंटर परिमाण पांच गुण मैंने यहाँ आम गोटे कोणर परिमाण बाहर आउ गोटे कोणर परिमाण हूँ 5x मैंने 150 डिग्री तेल देखते आम ऑप्शन रे कौन अच्छी जोटा कि 30 डिग्री आउ 150 डिग्री जोटा कि आम ऑप्शन बी हो राइट आंसर। तो बुझीपारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते कौन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते आम पार्श्वस्थ चित्र L1 समांतर L2 ओ L3 होचे छेदक गोटे कोण 70 डिग्री हेले एक्स मान के आमको देखे ये L1 आउ L2 होचे आमर समांतर तो तापरे L3 होचे छेदक आपने देखिपे तो ये कोणटा देखिए आमको 70 डिग्री पचार कोणर मूल्य केते जोटा कि एक्स मूल्य केते तो आपको आम केमी करवा तो आम जाचे आमर यही कोण आई कोण हूँ एकांतर कोण जितेबाला देखिए दुईट आमर सरल रेखा पर दुईट आमर समांतर अच्छा आउ गोटे सरल रेखा छेद कर आम एकांतर कोण क्या कही था मैंने यही कोणर एकांतर कोण हूँ यहाँ तापर यही कोणर एकांतर कोण हूँ यहाँ हो तो यहाँ आम एकांतर कोण बोली कही था एकांतर कोण जेहेतु से दुईट जगार कोणर परिमाण सामान होता है तो ये आम आराम से करा कहीं ना जेहेतु 70 डिग्री तेल यही कोणर परिमाण भी आमर हो 70 डिग्री कहीं दुईट हूँ एक
एकांतर कौन तो सेपाई आंसर होमर ऑप्शन डी जोटा कि 70 डिग्री तेल बुझीपारे आमर गोटे एकांतर कौन अच्छे आउ गोटे अच्छी अनुरूप कोण तेल अनुरूप कोण कौन अनुरूप कोण हूँ मनकर आमर ये कोणटा को ना ये कोणर अनुरूप कोण कौटा होणर अनुरूप कोण हो एक्स जोटा कि एक्स आमको देखिए कोणर अनुरूप कोण यहाँ हो अनुरूप कोणर परिमाण भी सब सामान थाए एकांतर कोण कौटा तो जाने अनुरूप कोण भी कौटा जाने यहाँ भी क्वेश्चन आसपे अनुरूप कोण विषय तो बुझिपारे तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते कौन दे पार्श्वस्थ चित्र रे एक्स रो मान निम्नोक्त मध्यरु केउटी ताले ए जो हमको देछि डायग्राम तो ए डायग्राम रे हमको एक्स रो मूल्य पचारछि तो देखंतु ऑप्शन देछि 60 डिग्री 120 डिग्री 180 डिग्री 360 डिग्री तो एठे हमर आंसर कोन हिजबो ताले देखंतु ए कोण आ ए कोण देछि हमको ताले पचारछि एक्स रो मान कोटा तो यहाँ आमर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आम जानचे ए कोण आउ ए कोण मिसिकी 180 डिग्री होता है तो यहाँ आम जानचे तेल 2x प्लस एक्स आम मिसेदेव जोटा कि होमर 3x 3x इक्वाल टू 180 डिग्री करदे तापर आम एक्स रूल्य बाहर जोटा कि 60 डिग्री बाहर जोटा कि आमर आंसर ऑप्शन ए तो बुझीपारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते कौन दे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पार्श्वस्थ चित्र रे एल वन एल टू और एल थ्री छेद करुच्छे जोटा कि आप देखिपे एल एल थ्री को आम एल वन एल टू आेद करुच्छी से गोटे कोण दे आमको 58 डिग्री जोटा कि यही कोणटी देखिए आमको 58 डिग्री तापर पचारे एक्स रान के एक्स रान के एल वन और एल टू सामानर जोड़ी हे तो यही टाइप रो क्वेश्चन आम सांगे सांगे कले आमर यही कोण आउ ए कोण मिसिकी सब 180 डिग्री होता है तो आम 180 रु जदि 58 डिग्री फेड़ीदेव आमर बाहर आंसर बाहर जोटा कि 122 डिग्री आमर हो आंसर एक्स रान आमर हो 122 डिग्री तो बुझीपारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते कौन देक्स्ट क्वेश्चन देखिए पार्श्वस्थ चित्र एक्स रान स्थिर कर तो यही कोणटी आमको देक्स तापर एटा देछि एक्स प्लस 30 डिग्री एटा देछि एक्स प्लस 50 डिग्री तो आमको एटा मूल्य देछि कतटी कोणर मूल्य देछि जोटा कि एक्स आकार रे देछि तो पचारछि तापर एक्स रो मान जोटा कि 25 डिग्री ना 50 डिग्री 75 डिग्री ना 100 डिग्री तो एठे आमे केमिति बाहर करबा आमे जानछि जेहेतु एटा देखंतु गोटे बाहु उपर जेहेतु अछि आमे एटा कहि परबा जे तीनोटी जाकर कोणर परिमाण मिसिकि आमर 180 डिग्री हबो एटा आमे कहि परबा जेहेतु आमे एटा कहि परबा जे एटा 180 डिग्री हबो आमे तीनटा जाक कोण मिसेदेव मिसेक 180 डिग्री करके सल्व करपरिया तो देखो एक्स प्लस एक्स आम जो मिसेदेव एक्स प्लस 30 डिग्री प्लस एक्स प्लस 50 डिग्री इक्वाल टू आम करदे 180 डिग्री कहीं तीन टाक कोण परिमाण मिसिकी आम 180 डिग्री हम तो तापर मुझे भावुँ आपने सल्व करेंगे जमीक एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स होमर 3x तापर 30 आउ 50 मिसले होमर 80 आम से 80 180 पाक को नहीं जोटा कि आम एपटू को नहीं आसवा मैंने 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री तो इम्प्लाइज दैट एक्स आम बाहर 100 बाय 3 डिग्री जोटा कि आमर हो 33 पूर्ण 1/3 डिग्री किंतु देखते आमर ये ऑप्शन रे ना 33 पूर्ण 1/3 डिग्री आमर ये ऑप्शन गुड़ाक रंग देती तो किंतु आर आंसर ही एमती बाहर जो आउ कौन क्वेश्चन आपके एंट्रान्स पड़ी थे तो आपने ये ट्रिक्रे बाहर करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखूँ कौन दे तो ये ए ई कोण दे 45 डिग्री आउ ओ डी कोण दे 70 डिग्री पचार सी रान के कितु पिक्चर देखते आमको ये 45 डिग्री ये 20 डिग्री तो यहाँ आमर 70 डिग्री हेनी ये आम ओ डी कोण प्रकृत 20 डिग्री आमर क्वेश्चन दे तो ये आप बाहर करें भावे कहीं कोणटा आईकोण आईकोण मिसिकी आम जानचे 180 डिग्री तो आमको दुईट कोण दे आउ गोटे कोण आम आराम से बाहर करें 45 डिग्री आउ 20 डिग्री से ऐड कर दबा जोटा कि होमर 65 डिग्री तापर ये कोणटा आम 180 डिग्री रु 65 डिग्री माइनस करदे जोटा कि 180 डिग्री रु आमर 65 आमर माइनस करदे आमर आंसर बाहर जोटा कि होमर 115 डिग्री जोटा कि आमर ऑप्शन बी हो राइट आंसर तो बुझीपारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते कौन दे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाहूर दैर्घ्य अनुसार त्रिभुज को केते भाग में विभक्त करा जाए तो यहाँ बहुत सिंपल क्वेश्चन बाहूर दैर्घ्य अनुसार त्रिभुज को आम के भाग में विभक्त करा जाए आम जानचे गोटे हूँ आम समबाहु त्रिभुज आ गोटे समद्विबाहु त्रिभुज आ गोटे आम जानचे विषमबाहु त्रिभुज तो आम के भाग में विभक्त होगा जोटा कि आम आंसर ऑप्शन सी जोटा कि तीन भाग में विभक्त करा जाए तो बुझीपारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो
कौन देची नेक्स्ट क्वेश्चन देची से गोटे त्रिभुजर मध्यम संख्या केते तो गोटे त्रिभुजर मध्यम संख्या केते दुईटी तीनोटी चारोटी ना पांचोटी आंसर एटी कौन हेजिबो आंसर हेजिबो तीनोटी गोटे त्रिभुजर मध्यम सबबेले तीनोटी ही थाए तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते गोटे त्रिभुजर कोणत्रयर परिमाण अनुपात देखिए आमको टू इज टू थ्री इज टू फोर हेल्ले से परिमाण स्थिर कर तो आम ये टू इज टू थ्री इज टू फोर आमको जो देखे नहीं गोटे को नहीं जा टू एक्स आ गोटे को नहीं जा थ्री एक्स आ गोटे को नहीं जा फोर एक्स तो आम जानचे त्रिभुजर आम तीनोटी कोणर परिमाण समष्टि आम 180 डिग्री तो टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर एक्स इक्वाल टू 180 डिग्री आम करके सल्व करदे आम आंसर बाहर जब तो टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर एक्स आम के जोटा कि आम हो नाइन एक्स तो नाइन एक्स इक्वाल टू आम जी करवा नाइन एक्स इक्वाल टू 180 डिग्री तो आमर एक्स रमर भैल्यू बाहर जोटा कि आमर हो 20 डिग्री तो आमको पचार परिमाण माने ये जो 2x 3x 4x आमको बाहर करार अच्छे तो एक्स बाहर जो 20 2x आमर बाहर जोटा कि बाहर जामर 40 बाहर जब 3x बाहर जामर 60 और 4x बाहर जामर 80 ताल देखो कौ ऑप्शन रे आमर अच्छी जोटा कि 40 60 और 80 जोटा कि ऑप्शन ए होमर राइट आंसर तो बुझिपारे तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते कौन दे गोटे रम्बसर दुईट क्रमिक कोण मध्य गोटिकर परिमाण अंटर चारिगुण हेले बृहतर कोणर परिमाण स्थिर कर तो आम गोटे रम्बस प्रथम क्रिएट करदे तो गोटे रम्बस आम ड्र कले तेल ये रम्बसरे आमको देखे दुईट क्रमिक कोण तेल क्रमिक कोण क्या कही था आप तो जानते जोटा कि आर क्रमिक कोण होमर यहाँ तो ये पचारे आमको देखे दुईट क्रमिक कोण मध्य गोटर परिमाण अंटर चारिगुण तो गोटे को आम नहीं जा एक्स आ गोटे को नहीं जा फोर एक्स आम जानचे दुईट क्रमिक कोणर परिमाण समष्टि आमर 180 डिग्री बोली आम जानचे माने यही कोण आई कोण मिसिके आमर 180 डिग्री बोली आम जानचे तो आमर एक्स प्लस फोर एक्स होमर के फाइव एक्स हो फाइव एक्स इक्वाल टू आम जब 180 डिग्री आम करवा तो आमर एक्स रूल्य आम बाहर करदे जोटा कि आमर जी फाइव को आम 180 आम डिड करवा जोटा कि आमर हो 36 डिग्री तो आमर बाहर एक्स बाहर 36 डिग्री आमको पचार बृहतर कोणर परिमाण तो बृहतर कोण हूँ आम फोर एक्स तो एक्स बाहरी गला 36 फोर एक्स आम बाहर जोटा कि 36 आम फोर को आम मल्टीप्लाई करदे आम आंसर बाहर तो 36 को आम फोर में मल्टीप्लाई कले आम आंसर बाहर 144 डिग्री जोटा कि आम ऑप्शन डी हो राइट आंसर तो बुझिपारे तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते कौन दे एक सामांतरिक चित्र रे कहार दैर्घ्य समान हेले चित्रटे रम्बस हुए तो देखो एक सामांतरिक चित्र रे कहार दैर्घ्य समान हेले चित्रटे आमर रम्बस हो बाहू मानकर ना कोण मानकर कर्ण मानकर ना रेखा मानकर तो ये आमर आंसर कौन होमर आंसर हो बाहू मानकर कहीं आमर सामांतरिक चित्र रे आमर विपरीत बाहु समान थाए किंतु आमर रम्बस रे आमर सबजाक बाहु समान तो आमर जदि सामांतरिक चित्र रे जो विपरीत बाहु समान न होय जदि सबजाक बाहु आमे समान कर दबा तो बाहु मानकर दर्घ जदि समान हे जिवा तो से चित्रटा को आमे रम्बस कहिबा सेतिमे एटी आंसर हे जिवा बाहु मानकर तो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कान दिजि गोटे उत्तल न होइथिबा चतुर्भुजर गोटिए ड्यास कर्ण थाए माने जो चतुर्भुजटा उत्तल न होइतिबा से उत्तल न होइतिबा चतुर्भुजर गोटे ड्यास कर्ण थाए माने गोटे अंतस्थ कर्ण थाए ना गोटे बहिस्थ कर्ण थाए ना गोटे केन्द्रस्थ कर्ण थाए ना गोटे समान कर्ण थाए तो ये हमरा आंसर कौन हो आंसर आमर ये ऑप्शन बी जोटा कि गोटे बहिस्थ कर्ण थाए गोटे उत्तल न होइतिबा चतुर्भुज आमको पचारचे माने गोटे अवतल चतुर्भुज जोटा कि आमर गोटे कनकेव क्वाड्रिलेटरल तो देखते जदि आम गोटे अवतल चतुर्भुज करवा जोटा कि गोटे कनकेव क्वाड्रिलेटरल तार आम सेप केमती होता है तो सेप्टा आम ये टाइप रिपेर माने गोटे भितरक पशि जाए जोटा कि आम याइप रिपर यहाँ गोटे हूँ आम अबतल चतुर्भुज आम कहीपर कि उत्तल चतुर्भुज आम नर्माल होता है जमीक आम यहाँ गोटे चतुर्भुज कहींपर जोटा कि आम गोटे उत्तल चतुर्भुज कितु आमको ये पचारे जोटा कि गोटे अबतल चतुर्भुज अबतल चतुर्भुजर कर्ण आम कमी करवा तो जदि आम आर नेम दबा जोटा कि एटा देदे बी एटा देदे सी एटा देदे डी तो आमर बी को डी आम गोटे कर्ण जोड़ी पार्बा कि ए को सी आम कमी जोड़ा जोटा कि कर्ण आम जोड़े ही गोटे कर्ण हम जोटा कि आमर ये बाहर ही कर्णटा जाए जोटा कि आमर होती आंसर गोटे बहिस्थ कर्ण थाए तो बुझिपारे तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते कौन दे वृत्तर प्रत्येक व्यास एक कोण अटे व्यासार्ध परि व्यास ना जा तो वृत्तर प्रत्येक व्यास एक कोण अटे आमर आंसर हो गोटे गोटे ज्या अटे वृत्तर प्रत्येक व्यास को आम ज्या कहीं आमर जो गोटे वृत्त है
तो यहाँ वृत्तर व्यास गोटे ज्या भी हो पार कहीं आम वृत्त में आम जहाँ भी जो टाइप रो भी एमती गार टाणीबा मानते वृत्त को स्पर्श करुवा दुईपट को तो सहीटा आम गोटे गोटे ज्या से व्यास भी वृत्त को स्पर्श कर दुईपट को तो सहीटा भी आम गोटे ज्या हम से वृत्तर प्रत्येक व्यास हूँ गोटे गोटे ज्या तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन दे एक वृत्तर प्रत्येक व्यासर मध्यबिंदु हूँ उक्त वृत्तर ड्यास परिधि व्यासार्ध केन्द्र ना व्यास तेल गोटे वृत्तर प्रत्येक व्यासर मध्यबिंदु तो देखते गोटे वृत्तर प्रत्येक व्यासर मध्यबिंदु तो यहाँ मध्यबिंदु तो मध्यबिंदु गोटे वृत्तर तेल कौन हो जोटा कि आमर केन्द्र होता है से आंसर ऑप्शन सी तो बुझिपारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक चाप और तहार प्राप्त बिंदुद्वय मध्य अंकित व्यासार्ध द्वारा गठित चित्र को कौन कह जाए तो देखो गोटे चाप और तहार प्राप्त बिंदुद्वय मध्य अंकित व्यासार्ध तो देखो आमको ये क्वेश्चन प्रथम कौन पचारे प्रथम डायग्राम ड्र करदे बुझीपर तो देखो गोटे फास्ट आम गोटे सर्कल ड्र कले तो पचारे गोटे चाप तो आम गोटे चाप आम एटी गोटे बिंदु नहीं जा जोटा को ए नहीं आउ गोटे एटी बिंदु नहीं जा जोटा को पी नहीं आउ गोटे एटी बिंदु नहीं जा जोटा कि बी तो आम गोटे चाप प्रथम ड्र कले जोटा कि ए पी बी हूँ आम गोटे चाप बोली आम कही था ए पी बी को गोटे चाप कहीपर तेल ए पी बी जो आम चाप ने पचारे तहार प्राप्त बिंदु मध्य अंकित व्यासार्ध द्वारा गठित चित्र को तो आमर ये गोटे यहाँ हूँ आम केन्द्रबिंदु आम नहींगले तो देखूँ तार प्राप्त बिंदु दे आम जो व्यासार्ध अंकन कले तो जोटा आमर बी बिंदु होगा यहाँ को बी बिंदु नहीं को ए बिंदु नहीं जोटा कि चाप आम ए पी बी एटा गोटे हूँ चाप तेल ता व्यासार्ध आम अंकन कले यहाँ गोटे कौन हो वृत्त क्षेत्र हम ना वृत्त कला हम ना वृत्त खंड हम ना अर्धवृत्त हम एवं आराम से जापारे कौन हम जोटा कि आम गोटे वृत्त कला ही हम येपटा येप को आम वृत्त कला ही कही था से आंसर कौन हो जोटा कि ऑप्शन बी हो राइट आंसर तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते कौन दे आयत चित्र प्रत्येक कोण एक डैश सूक्ष्म कोण स्थूल कोण समकोण ना छेदरेखा तो यहाँ सिंपल क्वेश्चन आयत खेलर प्रत्येक कोण आम गोटे गोटे समकोण जोटा कि आम ऑप्शन सी हो राइट आंसर तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो एक रम्बसर समस्त ड्यास्र दैर्घ्य सामान बाहूर कोणर कर्णर ना रेखार तो यहाँ भी सिंपल गोटे रम्बसर समस्त बाहूर दैर्घ्य सामान बोली आम जाचे जोटा कि ऑप्शन ए हो राइट आंसर तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते कौन दे वृत्तर केन्द्र बिंदु की आम जहाँ वृत्तर कौन कह जाए तो यहाँ भी आम डिस्कस करूँ टे पूर्व तो देखो वृत्तर केन्द्र बिंदु की आम जा मैंने केन्द्र दे जो ज्याटा जा तो कौन कह जाए वृत्तर जोटा कि आम व्यास कहुटा कि आम ऑप्शन डी हो राइट आंसर तो बुझिपारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते कौन दे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते गोटे चतुर्भुजर दुईट सन्निहित बाहू मध्य गोटे अंटी उपर लंब कोणत्रयर परिमाण अनुपात टू इज टू थ्री इज टू फोर हेले उक्त कोणत्रयर परिमाण स्थिर कर तो आमको देखिए चतुर्भुजर प्रथम आम जानते चतुर्भुजर कोण मानक परिमाण आमको देखिए टू इज टू थ्री इज टू फोर तो ताको आम टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स नहीं जोटा कि गोटे कोण मानक परिमाण नहीं गले आम तीनो कोणर परिमाण तो आउ गोटे कोणर परिमाण आम के ना जेहतु अंटी उपर लंब दे तो लंब जेहतु से नाइंटी डिग्री गोटे कोणर परिमाण दे कहीं लंब जेहतु से नाइंटी डिग्री तो ये आम बाहर करें कहीं आम जानचे आम चतुर्भुजर कोण मानक परिमाण समस्ट मिसिक तीन सौ षाठी डिग्री तो आम जब कोण मानक मिसेद मैंने नाइंटी डिग्री तापर प्लस जो यहाँ आम नहीं टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर एक्स इक्वाल टू आम करदे थ्री सिक्सटी डिग्री एमती लिखिकी तापर सल्व करपर जोटा कि आम हो टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर एक्स जो आम रहा नाइन एक्स आउ नाइंटी डिग्री को आम एपट को नहीं आसवा जोटा कि आम नाइन एक्स इक्वाल टू थ्री सिक्सटी डिग्री माइनस नाइंटी डिग्री तो ये मुझे भावुँ आप आराम से बाहर करदे एक्स रूल्य बाहर करदे जोटा कि आम बाहर जी थ्री एक्स सिक्सटी रू नाइंटी फेरले जोटा कि आम टू सेवेन्टी डिग्री बाहर जापर एक्स रूल्य बाहर करदे दुईश सतुरी को नौ हरीदे जोटा आम बाहर तीस डिग्री तो देखो एक्स रूल्य आम बाहरी गला तीस डिग्री तो एक्स रूल्य तो आम दरकार नहीं आम दरकार टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स तो टू एक्स आम होते सिक्सटी डिग्री थ्री एक्स हो नाइंटी डिग्री आ फोर एक्स हो वन ट्वेंटी डिग्री तो बुझिपारे जोटा कि आम सिक्सटी नाइंटी वन टूटी जोटा कि ऑप्शन बी रे अच्छे से ऑप्शन बी हो राइट आंसर तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन दे वृत्तर प्रत्येक ड्यास एक रेखाखंड जार प्रांत बिंदुद्वय वृत्त उपर अवस्थित
ତାହେଲେ ବୃତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜ୍ୟା ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡ ହେବ, ନା ବୃତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାସ ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡ ହେବ, ନା ବୃତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ନା ବୃତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିଧି ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଯାହାର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁଦ୍ୱୟ ବୃତ୍ତ ଉପରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥିତ, ତ ଆର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମର? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୃତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକ କେଉଁ କେଉଁ ରେଖାଖଣ୍ଡଟା ନେଲେ ଯେ ତା'ର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁଦ୍ୱୟ ବୃତ୍ତ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେବ, ତ ଆମର ଏଠି ଦୁଇଟା ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଜ୍ୟା ବି ହେଇପାରିବ ଆଉ ବ୍ୟାସ ବି ହେଇପାରିବ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି ଜ୍ୟା ନେବା, ସେଇଟା ବି ତା'ର ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁଦ୍ୱୟ ବୃତ୍ତ ଉପରେ ଆମର ଅବସ୍ଥିତ ହେଉଛି, ଆଉ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ବି ମଧ୍ୟ ତା'ର ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁଦ୍ୱୟ ବୃତ୍ତ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ୟା ବି ଆନ୍ସର୍ ହେଇପାରିବ ଆଉ ବ୍ୟାସ ବି ଆନ୍ସର୍ ହେଇପାରିବ। ତ ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଉତ୍ତଳ ଚତୁର୍ଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ଚତୁର୍ଭୁଜର କେଉଁଥିରେ ଛେଦ କରନ୍ତି? କର୍ଣ୍ଣ, ବାହୁ, ଅନ୍ତର୍ଦେଶ, ନା ବହିର୍ଦେଶ? ତ ଉତ୍ତଳ ଚତୁର୍ଭୁଜ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି, ଉତ୍ତଳ ଚତୁର୍ଭୁଜ କାହାକୁ କୁହାଯିବ, ଅବତଳ ଚତୁର୍ଭୁଜ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ତ ଉତ୍ତଳ ଚତୁର୍ଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ଚତୁର୍ଭୁଜର କେଉଁଥିରେ ଛେଦ କରନ୍ତି? ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆମର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ, କାହିଁକି ନା ତା'ର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ଅନ୍ତର୍ଦେଶରେ ହିଁ ଛେଦ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯଦି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନେବା, ତା'ର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ଏ ଅନ୍ତର୍ଦେଶରେ ହିଁ ଛେଦ କରିବ। ତ ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି। କାହାର କୋଣ ସମାନ ହେଲେ ଚିତ୍ରଟି ଆୟତ ଚିତ୍ର ହେଇଯିବ? ତ ରମ୍ବସ୍ର, ନା ଟ୍ରାପିଜିୟମ୍ର, ବର୍ଗଚିତ୍ରର, ନା ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର? ତ କାହାର କୋଣ ସମାନ ହେଲେ ଚିତ୍ରଟି ଆୟତ ଚିତ୍ର ହେଇଯିବ? ଏଠି ଆମର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆମର ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର, କାହିଁକି ନା ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ଆମର ଏମିତି ହେଇଥାଏ ଯେ ତା'ର କୋଣ ସମାନ ହେଇଯିବ, ମାନେ ସବୁଯାକ କୋଣ ସମାନ ହେବ, ସମାନ ହେବ ମାନେ ଆମର 90 ଡିଗ୍ରୀ ହିଁ ହେଇପାରିଲେ, ମାନେ ଚାରିଟା ଯାକ କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ ହେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯଦି ସବୁଯାକ କୋଣର ସମାନ ହେଇଯିବ ପରିମାଣ, ତ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗୋଟେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ରମ୍ବସ୍ ହେବନି, ଟ୍ରାପିଜିୟମ୍ ବି ହେବନି, ବର୍ଗଚିତ୍ର ବି ହେଇପାରିବନି, କାହିଁକି ନା ରମ୍ବସ୍ ବର୍ଗଚିତ୍ରର ସବୁଯାକ ବାହୁ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଆୟତଚିତ୍ରର ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ, ଆଉ ଟ୍ରାପିଜିୟମ୍ ବି ହେଇପାରିବନି, କାହିଁକି ନା ଟ୍ରାପିଜିୟମ୍ର ବି ଆମର ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ା ବିପରୀତ ବାହୁ ହିଁ ସମାନ୍ତର ହୋଇଥାଏ, ସେଥିରେ ସମାନ ନଥାଏ ବାହୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆମର ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ଅପ୍ସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି। ବୃତ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ବୃତ୍ତର ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ବୃତ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ବୃତ୍ତର କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଆନ୍ସର୍ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଆମର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଜ୍ୟା, କାହିଁକି ନା ବୃତ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ ଯେକୌଣସି ବି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ହେଉ, ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ନେଇଯିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଏଠି ନେଇଯିବା, ତ ଏଇଟା ଆମର ଏଇଟାକୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଜ୍ୟା ହିଁ କୁହାଯିବ, ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ନେଇଯିବା, ଏଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ନେଇଯିବା, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ଜଏନ୍ କଲେ ସେଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଜ୍ୟା, ଯେଉଁଟାକି ବୃତ୍ତର ଆମର ଜ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପ୍ସନ୍ ବି। ତ ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି। ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଓ ବୃତ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ବୃତ୍ତର କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ବି ସିମ୍ପଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ବୃତ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅପ୍ସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି। ବୃତ୍ତଟି ଯେଉଁ ସମତଳରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସେହି ସମତଳଟି କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ? ଏଠି ଆମର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍ ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସର୍କଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍କୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛି? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ବୃତ୍ତ ଉପରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭାଗରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ବହିର୍ଦେଶ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ତିନିଟା ପାର୍ଟସ୍ ରହୁଛି, ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଇନ୍ସାଇଡ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉଟସାଇଡ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ସର୍କଲ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ସେଥିପାଇଁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ସେଥିପାଇଁ ଅପ୍ସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଯେ ବୃତ୍ତ ଆଉ ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ଏକତ୍ର ମିଶି କ'ଣ ଗଠନ କରନ୍ତି? ତ୍ରିଭୁଜାକାର କ୍ଷେତ୍ର, ବୃତ୍ତାକାର କ୍ଷେତ୍ର, ବୃତ୍ତକଳ, ନା ବ୍ୟାସ? ତାହେଲେ ବୃତ୍ତ ଆଉ ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ, ମାନେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ବୃତ୍ତକୁ ନେବା ଆଉ ତା'ର ଅନ୍ତର୍ଦେଶକୁ ନେବା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ମିଶିକି କ'ଣ ଗଠନ କରନ୍ତି? ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ବୃତ୍ତାକାର କ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ଅପ୍ସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲେ? ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି। କୌଣସି ବୃତ୍ତର ଏକ ଚାପ ଓ ଏହା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଚିତ୍ରକୁ ଉକ୍ତ ବୃତ୍ତର କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ତାହେଲେ କୌଣସି ବୃତ୍ତର ଏକ ଚାପ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଚାପ ମାନେ ଏଇଟାକୁ ନେଇଯିବା ଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇଯିବା ଏଇଟା ସି, ଏଇଟା ନେଇଯିବା ଡି, ତାହେଲେ ଏ ସି ଡି ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଚାପ, ତାହେଲେ ଏଇ ଚାପ ଏହା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜ୍ୟା, ତାହେଲେ ଆ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜ୍ୟା ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଜ୍ୟା ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟା ଯେଉଁ ଗଠିତ ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟା ଆମର ଗଠିତ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ? ବୃତ୍ତକଳା, ନା ବ୍ୟାସ, ନା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ନା ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡ? ଆମର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯେଉଁଟାକି ଅପ୍ସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାହେଲେ ଯେଉଁଟା ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ, ପିକ୍ଚର୍ ଡ୍ର କରିଦେବେ, ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଡ୍ର କରିଦେଲେ ଆମେ ଆରାମସେ ଜାଣିଦେବା ଯେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର୍, ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଡ୍ର କରିଦେଲେ ଆଉ କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ରହିନଥାଏ।
तो सेथिपाय जोठी भी जानी परबेनी आंसर डायग्राम ड्रा कर देबे ड्रा कर देले अपन माने जानी परबे जे आंसर टा कोन हबो। तो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कोन देछि, नेक्स्ट क्वेश्चन देछि जे वृत्तर गोटिए व्यास वृत्त को जो दुईटा अंश रे विभक्त करे ताहा को वृत्तर कौन कह जाए। तले गोटे वृत्त कर दबा गोटे वृत्तर व्यास कर दबा, तले ये जो व्यासटा वृत्त को जो दुईटी अंश रे विभक्त कला, तले ये जो दुईटी गोटे एटा गोटे अंश हला तापर एटा गोटे अंश हला, तले ये दुईटा को हमें कौन कहिताव अर्धवृत्त बोली कहिताव, कहिंगे ना जेते समान भाग रे व्यासटा वृत्त को समान भाग रे विभक्त कला एटा होची गोटे अर्धवृत्त आ एटा भी होची सही गोटे अर्धवृत्त, जोटे के ऑप्शन ए हिजबा हमर राइट आंसर। तो बुझिपारे तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते कौन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चतुर्भुजर दुई विपरीत शीर्षर संजोगकारी रेखाखंड को, तेल दुई विपरीत शीर्षर संजोगकारी रेखाखंड जोटा कि आम आंसर हो कर्ण, यहाँ सिंपल क्वेश्चनटा कहीं विपरीत शीर्ष पचार विपरीत शीर्ष को आम जोग कले से जो रेखाखंड आम होता है सेटा हूँ रेखाखंड को आम कर्ण बोली कही था, जोटा कि ऑप्शन बी हिजबा हमर राइट आंसर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते गोटे चतुर्भुजर दुईट क्रमिक कोणर परिमाण यथाक्रमे 60 डिग्री और 80 डिग्री अन्य कोणर परिमाण समान हेले कोण द्वय परिमाण केते हबो, तले गोटे चतुर्भुज आम करदेबा चतुर्भुजर क्रमिक कोण दे 60 आउ 80 डिग्री, माने एक कोण 60 डिग्री आउ एक कोण 80 डिग्री दे दे अन्य कोण द्वय परिमाण समान दे, माने एक कोण आउ एक कोण एक कोण एक कोणर परिमाण समान, तेल कोण द्वयर परिमाण केते हबो। तेल आम जानजे चतुर्भुजर चारिकोणर परिमाण समष्टि आम 360 डिग्री, तेल 60 डिग्री आउ 80 डिग्री को प्रथम मिसाई दिंतु जोटा कि आम हो 140 डिग्री, 60 डिग्री आउ 80 डिग्री को मिसाइले आम हो गला 140 डिग्री, तेल यही दुईट कोणर एक कोण आउ एक कोणर परिमाणर समष्टि जब 140 डिग्री है ये दुईट कोणर परिमाणर समष्टि आम बाहर करदे 360 रु 140 को फेड़ीदे जोटा कि आम बाहर जब यही दुईट कोणर परिमाणर समष्टि के जोटा कि आम फेड़े आम जब 360 रु 140 को फेड़ा आमर हो 220 डिग्री, तेल एक कोण आउ एक कोणर परिमाणर समष्टि हो गला आम 220 डिग्री, तेल आमको पचास से कोण द्वयर परिमाण मानने आमको दे दुईट कोणर परिमाण सामान मानने एक कोण जी डिग्री एक कोण भी से डिग्री, तेल 220 को आम जब 2 रे डिवाइड करदे आम 110 कहीं एक कोण भी होगा 110 एक कोण भी होगा 110 कहीं दुईट जाक कोणर परिमाण सामान आमको क्वेश्चन देखे आमर आंसर बाहरी गला जोटा कि आम 110 डिग्री हिजबो राइट आंसर जोटा कि ऑप्शन बी। तले बुझिपारे तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते कौन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सामांतरिक चित्रर समस्त ड्यास्र दैर्घ्य समान हेले चित्रटि रम्बस हेइजिबा समस्त बाहुर दैर्घ्य ना कर्ण द्वयर दैर्घ्य ना कोण मानकर दैर्घ्य ना एमानक मध्यरु कोनसिटि नुहे, एटा सिंपल क्वेश्चन आमे टिके पूर्वर भी एमिति क्वेश्चन डिस्कस करूथिले जोटा कि सामांतरिक चित्रर जदि समस्त आमर बाहुर दैर्घ्य समान हेइजिबा ताहेले चित्रटि आमर रम्बस होइजिबा, काहेकि ना सामांतरिक चित्ररे आमर विपरीत बाहुर दैर्घ्य समान होइथाय, जदि आमर सबु बाहुर दैर्घ्य समान करदेबा ताहेले सेटा रम्बस जोटा कि ऑप्शन ए हो राइट आंसर। तो बुझिपारे तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते कौन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो चतुर्भुजर प्रत्येक कोणर परिमाण 90 डिग्री और विपरीत बाहु समान, तेल कौन आम कौन कही था मानते प्रत्येक कोणर परिमाण 90 डिग्री विपरीत बाहु समान होते आम जानते सीटा होमर आयत चित्र जोटा कि ऑप्शन सी हो राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते कौन देखिए, चतुर्भुजर बहिस्त बिंदु मानक सेट्रे चतुर्भुजर ड्यास सृष्टि, तेल चतुर्भुजर बहिस्त बिंदु मानक सेट्रे चतुर्भुजर ड्यास सृष्टि, ताले एटा हमरो बहुत सिंपल बहिस्त बिंदु माने बहिर्देश ही सृष्टि जोपे ऑप्शन बी हिजबा हमर राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कहार कोण मान समान हेले चित्रटे आयत चित्र हम रम्बस वर्ग चित्र आयत चित्र ना सामांतरिक चित्र, तले कहार कोण मान समान हेले चित्रटे आयत चित्र हिजबा रम्बस ना वर्ग चित्र ना आयत चित्र ना सामांतरिक चित्र हमर आंसर हिजबा सामांतरिक चित्र, कहीं रम्बस तो हेनी रम्बस आमर प्रत्येक बाहुर दैर्घ्य समान कोण समान हेले सेटा आयत चित्र हो पारेनि कहीं आयत चित्र रे आमर विपरीत बाहु समान दरकार, वर्ग चित्र भी हो पारेनि कहीं वर्ग चित्र रे भी प्रत्येक बाहु समान आउ आयत चित्र रे कोण मान समान हेले चित्रटे आयत चित्र हे एटा केबे आमर गोटे आंसर हेनी कहीं आयत चित्र तो से आयत चित्र एटा आमर से आंसर हेनी आंसर हो सामांतरिक चित्र, सामांतरिक चित्र रे कोण मान समान हो गले आम चित्रटि आयत चित्र कर पारिबा जोटा कि ऑप्शन डी हिजबा आमर राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते कौन देखिए, ए बी सी डी चतुर्भुजरे ए बी सी डी होची समांतर ए डी बी सी होची समांतर एवं ए बी सी रो परिमाण 90 डिग्री हेले चतुर्भुजटी ड्यास हबो, तले आमको देखिए जे ए बी सी डी चतुर्भुज तो ए बी सी डी चतुर्भुज आम करदे जोटा कि ए
बी सी आउ डी ताले ए बी सी डी चतुर्भुज करदे ए बी आउ सी डी आमको समांतर दे माने एटा आउ एटा समांतर दे आउ ए डी आउ बी सी समांतर दे ताले ए बी सी रा परिमाण 90 डिग्री दे जोटा कि यही कोणटा आमको 90 डिग्री दे ताले चतुर्भुजटा आमर कौन हम वर्गचित्र ना सामांतरिक चित्र ना रम्बस ताले सामांतरिक चित्र आउ रम्बस तो केबे हबनी जोटा कि बी ऑप्शन डी ऑप्शन आमर कैंसिल होगा कहीं गोटे कोण परिमाण 90 डिग्री देती जेहेतु सामांतरिक चित्र रम्बस हो पारे ताले वर्ग चित्र हम ना आयत चित्र हम आंसर ये कौन होटा कि आमर आंसर हो आयत चित्र कहीं आमर विपरीत बाहू समांतर अच्छे जोटा कि एबी रो सी डी आउ एडी रो बी सी जेहेतु विपरीत बाहू आम समांतर अच्छे ये आयत चित्र जोटा कि ऑप्शन सी हमर आम राइट आंसर आ वर्ग चित्र कहीं हेनी कहीं आमको देनी जे ए बी सी डी सामान बोली देनी जे आम चारक बाहू सामान बोली ये किसी आमको देनी जेहतु सामान देनी आम कहीपर से वर्ग चित्र हम कि आयत चित्र हो पार कहीं जेहतु समांतर देखिए सामान ही होती है से आंसर होमर आयत चित्र नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन दे बी सी डी चतुर्भुज एबी दे 21 सेंटीमीटर बी सी दे 16 सेंटीमीटर एडी दे 20 सेंटीमीटर तापर बी ए डी आउ सी बी डी कोण दे 90 डिग्री तेल चतुर्भुजटार क्षेत्रफल आमको पचार तो देखो एबी दे 21 सेंटीमीटर जोटा कि पिक्चर ये आमको आगुरी ही ड्र करके दे देती एबी दे 21 सेंटीमीटर बी सी दे 16 सेंटीमीटर एडी दे 20 सेंटीमीटर तो ये आम केमी बाहर करवा देखो प्रथम आम बाहर करदे आम चतुर्भुजर क्षेत्रफल बाहर करने को प्रथम त्रिभुजर क्षेत्रफल बाहर करा पड़ा जेहतु आम दुईट त्रिभुज अच्छे गोटे अच्छे एबीडी त्रिभुज आ गोटे अच्छे बीसीडी त्रिभुज तो एबीडी त्रिभुजर क्षेत्रफल बाहर करदे बीसीडी त्रिभुजर क्षेत्रफल बाहर करदे आड करदे आम चतुर्भुजर क्षेत्रफल बाहर जाए एबीडी त्रिभुजर क्षेत्रफल बाहर करा आम त्रिभुजर क्षेत्रफल बाहर करार सूत्र कौन सूत्र होमर हा यो आम एबीडी त्रिभुजर बाहर करें क्षेत्रफल जोटा कि एबीडी त्रिभुज आम गोटे हाफ इंटु एबी इंटु एडी जोटा कि सूत्र मानने गोटे त्रिभुजर आम क्षेत्रफल बाहर करोटा कि हाफ इंटु एबी हूँ आम 21 आ गोटे हूँ 20 जोटा कि एडी हूँ 20 तो यहाँ आम बाहर कर 220 कटिगला 10 जोटा कि 21 को 10 गुणले आम हो 210 तो यहाँ ये नोट करना तो गोटे है 210 क्षेत्रफल है गोटे हूँ 210 वर्ग सेंटीमीटर आम बाहरी गला तो ये आम बी सी डी त्रिभुजर क्षेत्रफल बाहर करवा जोटा कि यही त्रिभुजर क्षेत्रफल आम बाहर करवा यहाँ भी सही सूत्र पकईदे कि आमको बी डी देनी एटी कितु यही त्रिभुज आमको देता एबी आउ एडी आमको जना थिला किंतु एठी आमको केवल बीसी जना अछि बीडीटा आमको जना नै कहीं बीडी जेहेतु जना नै प्रथम आम बीडी बाहर करदे जेहेतु आमको देछि सीबीडी कोण 90 डिग्री तले एई कोणटा जेहेतु आम 90 डिग्री देछि जोटा उच्चता देछि तले आमर जो बीसी इंटू बीडी हे जेबा आमर फार्मूला सेत पई बीसी आमको देछि बीडी जना नै जेहेतु बीडी प्रथम बाहर करदे केमिति बाहर करबा जोटा कि एबी रो स्क्वायर प्लस एडी रो स्क्वायर आम करदेले आमर बीडी रो बीडी बाहर जेबा केते तो बीडी बाहर करदे के बाहर आमर एडी रा स्क्वायर माने 20 रा स्क्वायर प्लस 21 रा स्क्वायर रा रूट ओवर बाहर करदे आमर बीडी बाहर जाए जोटा कि आमर होटा 20 रा स्क्वायर होगा 421 रा स्क्वायर आमर हो 441 आपको दुईटा जाक मिसईदे आमर के 841 जोटा कि 841 रूट ओवर होचे आमर 29 सेंटीमीटर तो एबे आमर बीडी बाहरी गला ताले बीडी बाहरी गला बीसी भी आमको देइजे ताले आ गोटे ट्रायंगल रे आमे क्षेत्रफल बाहर करदबा गोटे ट्रायंगल रे आमे बाहर करथिले जोटा कि 210 वर्ग सेंटीमीटर आमे बाहर करचे एबीडी त्रिभुजर क्षेत्रफल आउ बीसीडी त्रिभुजर क्षेत्रफल एबे आमे बाहर करि परबा काहेकि ना बीडी आमको जणा हे गला तो हाफ इंटु 16 इंटु 29 तो 216 कटला 8 तो 29 को 8 रे मल्टीप्लाई करदे जोटा कि आमर हो 232 वर्ग सेंटीमीटर तो गोटे हो गला 210 आ गोटे हो गला 232 तो एबे आमे चतुर्भुजर क्षेत्रफल बाहर कर परबा 210 को 232 रे आमे ऐड कर दबा जोटा कि ऐड कर दिंतु 2 हेला 134 एटा हो गला 4 जोटा कि 442 हो जाए आमर आंसर जोटा कि चतुर्भुजर क्षेत्रफल आमको पचार थिला जोटा कि ऑप्शन सी हो जाए आमर राइट आंसर 442 वर्ग सेंटीमीटर तले बुझि पारले आमे केमिति सॉल्व करले प्रथम ट्रायंगल रो क्षेत्रफल बाहर कर दबा तापर ट्रायंगल रो क्षेत्रफल बाहर कर देले से दुईटा जाको ऐड कर देले आमर चतुर्भुजर क्षेत्रफल बाहर आराम से तो बुझिपारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गोटे ट्रापेजियम परिसीमा 82 मीटर यार असमांतर बाहुदय मध्य प्रत्येक दैर्घ्य हूँ 20 मीटर आउ ट्रापेजियम उच्चता हूँ 7 मीटर हेले ट्रापेजियम क्षेत्रफल आमको पचार
तो ट्रापिजियम रो क्षेत्रफल रो फॉर्मूला कौन प्रथमे हमकु जानिबा पड़िबो। ट्रापिजियम रो क्षेत्रफल रो फॉर्मूला होची हमर हाफ इनटू समान गोटे ट्रापिजियम देखंतु एटा जदि हमर गोटे ट्रापिजियम हबो आरो फॉर्मूला होची हाफ इनटू समांतर बाहुद्वयर समष्टि माने एई बाहु आउ एई बाहुद्वयर समष्टि इनटू उच्चता एटा होची हमर ट्रापिजियम रो क्षेत्रफल रो फॉर्मूला। तले एठी आमे ट्रापिजियम रो क्षेत्रफल केमिति बाहर करबा एठी हमकु दे दैछि ट्रापिजियम रो प्रत्येक प्रत्येक असमांतर बाहु रो दीर्घ दे दैछि 20 मीटर माने असमांतर बाहु तो हमर एई दुइटी होछि असमांतर बाहु गोट एटा दे दैछि 20 आ एटा भी दे दैछि हमकु 20 आ दे दैछि जे ट्रापिजियम रो उच्चता 7 मीटर जोटा कि हमर उच्चता दैछि हमकु 7 मीटर। तले पचाछि जे ट्रापिजियम रो क्षेत्रफल तले ट्रापिजियम रो क्षेत्रफल जानबा को हेले प्रथमे हमकु उच्चता त दैछि किंतु समांतर बाहुद्वयर समष्टि हमकु देइनि जोटा कि एई बाहु आ एई बाहुद्वयर समष्टि हमकु प्रथमे बाहर करय पड़िबा। बाहर करले जाय कि हमें क्षेत्रफल रो हमें ट्रापिजियम रो क्षेत्रफल बाहर करि परिबा। तो आमको ट्रापिजियम रो परिसीमा किंतु दे दैछि ट्रापिजियम रो परिसीमा आमे केमिति बाहर करथौ समांतर बाहुद्वयर दीर्घर समष्टि असमांतर बाहुद्वयर दीर्घर समष्टि मिसै कि आमे परिसीमा बाहर करथौ। तो एठी आमे बाहर करि परिबा आमर समांतर बाहुद्वयर दीर्घर समष्टि केमिति बाहर करबा काहेकि आमको परिसीमा दे दैछि असमांतर बाहुद्वयर दीर्घ दे दैछि। तहले आमे जदि आमर परिसीमा रो असमांतर बाहुद्वयर दीर्घर समष्टि को फेडि दबा तहले समांतर बाहुद्वयर दीर्घर समष्टि आमे पाइ परिबा बा समांतर बाहुद्वयर दीर्घ आमे पाइ परिबा। तहले देखंतु आमको देछि परिसीमा बयासी एई दुईटी बाहु देछि 20 ताले 20 20 आमर हे जिबा 40 आमे बयासी रो 40 को जदि फेडि दबा आमर हे जाउ छि केते 42 हे जाउ छि। ताले 42 आमर कोन समांतर बाहु दर समष्टि बाहर गला काहेकि ना परिसीमा रो फार्मूला होछि ट्रापिजियम रो परिसीमा रो फार्मूला होछि आमर समांतर बाहु दर समष्टि असमांतर बाहु दर समष्टि मिसिले होछि परिसीमा बाहर थाए। तो असमांतर बाहु दर समष्टि रो समष्टि जेहेतु आमर बाहर गला 40 परिसीमा रो आमे 40 को फेडि देले जोटा कि बयासी रो 40 को फेडि देले आमर समांतर बाहुद्वयर समष्टि बाहरी गला। तले समांतर बाहुद्वयर समष्टि जेतेबेले बाहरी गला आमे क्षेत्रफल आराम से बाहर करि परबा काहेकि ना क्षेत्रफल रो फार्मूला होची हमर कोन हाफ इनटू समांतर बाहुद्वयर समष्टि जोटा कि आमर बाहर कले आमे 42 तापर देइछि हमको उच्चता हमको देइछि क्वेश्चन जोटा कि 7। तो एबे आमे माने सॉल्व करि परबा जोटा कि 2 को 42 रे काटि देबा जोटा कि आमर हे जइबो 21 आ 21 को 7 रे आमे गुणि देबा जोटा कि आमर हे जइबो 147 आमर वर्ग मीटर आंसर बाहर गला जोटा कि ऑप्शन डी हे जइबो आमर राइट आंसर। तो बुझी पारले केमिति आमे सॉल्व करले प्रथमे आ जो आमर फार्मूला गुडा कछि फार्मूला गुडा को मन रखि देबे फार्मूला मन रखि देले आमे ए टाइप रो क्वेश्चन को आराम से करि परिबे। तो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो कौन दैछि गोटे रम्बस रो परिसीमा 16 मीटर एहार गोटे कर्णर दीर्घ 6 मीटर हेले अन्य कर्णर दीर्घ ओ क्षेत्रफल निर्णय कर। तो देइछि हमको गोटे रम्बस रो परिसीमा देइछि 16 मीटर तले गोटे जेहेतु रम्बस रो परिसीमा 16 मीटर देइछि हमको आमे बाहुर दीर्घ बाहर करि परिबा काहेकि ना आमे जानछे जे बाहु 16 को आमे 4 रे हरि देबा जोटा कि बाहुर दीर्घ बाहर जिवो। तले रम्बस रो बाहुर दीर्घ आमर बाहरी गला 4 मीटर तले बाहुर दीर्घ आमर बाहरी गला 4 मीटर तले देइछि तापरे एहार गोटे कर्णर दीर्घ देइछि 6 मीटर। तो गोटे कर्णर दीर्घ दे दीजिए हमको 6 मीटर पचारि जे अन्य कर्णर दीर्घ पचारि तापर क्षेत्रफल पचारि। तो क्षेत्रफल बाहर करिया गेले प्रथमे हमको कर्ण द्वयर दीर्घ दरकार। तो गोटे कर्णर दीर्घ हमको जणा आछि आ गोटे कर्णर दीर्घ जणा नै तले कर्णर दीर्घ एठी हम केमिति बाहर करबा प्रथमे हम जानछे बाहुर रम्बस रो बाहुर दीर्घ रो फार्मूला कोन हम जानछे जे गोटे कर्णर दीर्घ रो गोटे कर्णर दीर्घ बाय 2 रो स्क्वायर प्लस अन्य कर्णर दीर्घ बाय 2 रो स्क्वायर रो रूट ओवर जोडे कि सेटा होछि हमर बाहुर दीर्घर फर्मूला। तो एठी आमे गोटे कर्ण आमको देइछि 6 आउ गोटे कर्ण को आमे 2x नै जिबा जोडा कि लेट रे नै जिबा काहेकि 2x नबा काहेकि ना आमको जेतु डिवाइड करबार अछि 2 जदि आमे खाली x नबा x / 2 नेले आमको सेटा सॉल्व करबार प्रॉब्लम हबो किंतु आमे जदि 2x / 2 नबा जदि 2x नै जिबा लेट रे 2x / 2 नेले आमको सेटा सॉल्व कला बेले सुविधा हबो काहेकि ना 2 2 आमर कैंसिल हे जिबा सेति पई 2x लेट रे नबा। तो आमे गोटे कर्णर दीर्घ नै जिबा 2x गोटे कर्णर दीर्घ हमको देछि 6 आ गोटे आमे नै गेले 2x। तो एबे आमे बाहुर दीर्घ बाहर करि परबा काहेकि ना बाहुर दीर्घ रो फार्मूला होछि हमर गोटे कर्णर दीर्घ बाय 2 माने आमे एटे देखबा 2x बाय 2 रो स्क्वायर एटा होछि हमर बाहुर दीर्घ रो फार्मूला मन रखंतु जुडा 2x बाय 2 रो
स्क्वायर तापरे प्लस सिक्स बाय टू रो गोटे कर्ण तरकी आमको छ दे दीचे तापरे सिक्स बाय टू रो स्क्वायर रो रूट ओवर एटा होचे हमरो रोम्बस रो बाहुर दर्घ्य रो फार्मूला जोटा कि गोटे कर्ण रो दर्घ्य बाय टू रो स्क्वायर तापरे प्लस आउ गोटे कर्ण रो दर्घ्य बाय टू रो स्क्वायर तार रूट ओवर होचे हमरो बाहुर दर्घ्य रो फार्मूला तले एटा को आमे सॉल्व कर देबा जोटा कि हमरो एटा हे जिबा 2x बाय 2 2 टू कैंसिल हे जिबा जोटा कि हमरो हे जिबा x स्क्वायर तापरे 6 बाय 2 हे जिबा एटा हमरो 3 रो स्क्वायर जोटा कि हे जिबा 9 तो x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस नाइन आमर होबर रहा इक्वाल टू आम करदे फोर फोर कहीं कले आम फास्ट रू बाहर करचे आम बाहर दर्घ्य फोर मीटर जोटा कि जेहेतु आम परिसीमा देखिए षोल मीटर परिसीमार आम बाहर दर्घ्य बाहर करते हूँ फोर मीटर किंतु एटी आम कर्ण को लेकिन बाहर कले कर्ण को लेट नहीं बाहर कले आम बाहर दर्घ्य बाहर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन रूट ओवर तो यही दुईटा को आम सल्व करदे आम एक्स रूल्य बाहर जब तो देख आम एक्स रूल्य बाहर करने प्रथम सल्व करा पड़ो तो यह सब को मुझे कैनसल कर स्क्वायर प्लस नाइन इक्वाल टू फोर रो स्क्वायर करदे केमी स्क्वायर है आमर जो एक्स स्क्वायर प्लस नाइन रि रूट ओवर थी रूट ओवर को आम जब स्क्वायर करदे आमर रूट ओवर स्क्वायर करदे रूट ओवर उठीजी आपटे जेहतु स्क्वायर कले एपटे भी स्क्वायर कराक पड़ा कहीं फोर रही स्क्वायर कराक पड़ा तो से आम एक्स स्क्वायर प्लस नाइन को रूट ओवर उठेदे फोर रक्वायर करदे ते एबे आमे सॉल्व कर परबा एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमर हे जिवो फोर रो स्क्वायर हे जिवो 16 16 माइनस 9 जोडा के हे जिवो हमर 7 तले एक्स स्क्वायर बाहरला 7 एक्स बाहर जिवा हमर 7 रो रूट ओवर तो हमर एक्स बाहरी गला 7 रो रूट ओवर मीटर रूट 7 मीटर तले गोटे कॉर्नर दर्घ्य हमर एबे आमे बाहर करि परबा काहेकि ना आमे जेतु लेट रे नैथिले लेट रे कॉर्नर दर्घ्य को 2x नैथिले सेत पई 2x हमर बाहरला x जेहेतु रूट 7 बाहरला तो गोटे कॉर्नर दर्घ्य हमर बाहर गेला 2 रूट 7 तो एबे आमे बाहर करि परबा क्षेत्रफल गोटे कॉर्नर दर्घ्य हमकु देइ छि 6 मीटर आमे बाहर कले आउ गोटे कॉर्नर दर्घ्य 2 रूट 7 मीटर तो क्षेत्रफल रा फार्मूला हमर कोन क्षेत्रफल रा फार्मूला होछि हाफ इनटू कॉर्नर द्वय रो गुणनफल जोटा कि 2 रूट 7 इंटू 6 तो 2 टू आम कैनसल हो गला आंसर हो जाए 6 रूट 7 तो आमर आंसर भी बाहरी गला जोटा कि 6 रूट 7 वर्ग मीटर आम क्षेत्रफल आमको पचार केवल क्षेत्रफल ऑप्शन देखिए क्वेश्चन पचार किंतु अन्य कर्णर दर्घ्य क्षेत्रफल निर्णय कर किंतु ऑप्शन रे केवल क्षेत्रफल ही ऑप्शन देखिए कर्णर दर्घ्य ऑप्शन देनी जेहेतु भी ऑप्शन देनी आम कर्णर दर्घ्य भी बाहर करे जोटा कि 2 रूट 7 मीटर यहाँ को भी ऑप्शन रे दबा कथा किंतु देनी केवल क्षेत्रफल ऑप्शन जेहेतु देर 6 रूट 7 आंसर बाहर जोटा कि आम ऑप्शन बी हो राइट आंसर तेल यू केमी बाहर कले बुझीपारे कि नहीं प्रथम तेल देखो तो प्रथम आउ थे मुझे रिभाइज कर दूसरी प्रथम आम कौन कले प्रथम परिसीमार बाहर दर्घ्य बाहर करदे जोटा कि 4 मीटर बाहर करदे से फास्ट स्टेप आपंकर गलापर आम बाहर दर्घ्य जी आम बाहर दर्घ्य को बाहर दर्घ्य आम बाहर करवा आम गोटे कर्णर दे गोटे कर्ण दे 6 मीटर आउ गोटे कर्ण को नहींगले 2x तेल बाहर दर्घ्य फर्मूला पकईदे जोटा कि फर्मूला हूँ आम गोटे कर्णर दर्घ्य बाय 2 र स्क्वायर तापर आउ गोटे कर्णर दर्घ्य बाय 2 र स्क्वायर जोटा कि फर्मूला पकईदे फर्मूला पकई सारापर आम एक्स मूल्य बाहरी गला जेहतु एक्स रूल्य बाहरी गला आम अन्य कर्णर दर्घ्य जेहतु आम 2x नहीं थे 2x आम एक्स बाहर रूट 7 तेल 2 रूट 7 आम आउ गोटे कर्णर दर्घ्य बाहरी गला बहुत सिंपल क्षेत्रफल फर्मूला पकईदे जोटा कि हाफ इंटू कर्ण द्वयर गुणफल जोटा कि आम क्षेत्रफल बाहरी गला तेल बुझीपारे केवल फर्मूला मन रखुद फर्मूला मन रखीदे कौटा के पुट हम प्राक्ट कले आज जापरेंगे जो कौट कौ फर्मूला कौटी पुट हम आ फर्मूला कितनी मन रखा पड़ा फर्मूला तक मन रखीदे फर्मूला मन रखीदे ये टाइप जो आम परिमित्र क्वेश्चन आसी थाए से टाइप क्वेश्चन आपजे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन देती कौन चतुर्भुजर एक जोड़ा विपरीत भाव सामान है कौन हम तेल कौन चतुर्भुजर एक जोड़ा विपरीत भाव सामान पचार रम्बस हम ना आयतचित्र हम ना ट्रापिजियम हम ना वर्गचित्र हम आंसर ये हमारे कौन हो आंसर हो ट्रापिजियम कहीं ट्रापिजियम रही केवल एक जोड़ा विपरीत भाव सामान होता है जोटा कि ऑप्शन सी हो राइट आंसर तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो चतुर्भुज यार अंतर्देश परस्पर डैश अणछेदी ना छेदी ना अनुपूरक ना परिपूरक चतुर्भुज और यार अंतर्देश माने चतुर्भुज और यार अंतर्देश चतुर्भुज तार अंतर्देश परस्पर कौन हो आंसर आमर हो अणछेदी जोटा कि छेद करती ना चतुर्भुज तार परस्पर अंतर्देशटा छेद करती ना से अणछेदी हो
ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି। ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି 2.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି 2.4 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜର ତୃତୀୟ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଆମକୁ ପଚାରିଛି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଆମେ ଡ୍ର କରିଦେବା। ତାହେଲେ ଏଇ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି 2.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ମାନେ ଏଇ ଆମକୁ ବାହୁଟା ଦେଇଛି 2.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଯେଉଁଟାକି କର୍ଣ୍ଣ ଆମର। ତାପରେ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି 2.4 ସେଣ୍ଟିମିଟର। କେଉଁ ବାହୁ ଆମକୁ ଦେଇନି, ବେସ୍ କି ହାଇଟ୍ କିଛି ଦେଇନି, ଆମେ ଯେଉଁ ବାହୁରୁ ବି ଗୋଟେ ପକେଇଦେବା, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ପକେଇଦେବା 2.4 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହେଲେ ତୃତୀୟ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏଇଟା ଆମର ବହୁତ ସିମ୍ପଲ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯଦି ଆମକୁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ନେମ୍ ଦେଇଦେବା ଏ ବି ସି, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏ ବିର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ସିର ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ସିର ସ୍କୋୟାର, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତାହେଲେ ତୃତୀୟ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହେଇଯିବ 2.5ର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 2.4ର ସ୍କୋୟାରର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ବାହାର କରିଦେଲେ ଆମର ତୃତୀୟ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବାହାରିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସଲ୍ଭ କରିକି ବାହାର କରିପାରିବେ। ଯେଉଁଟାକି 2.5ର ସ୍କୋୟାର ଆମର କେତେ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ହେଇଯିବ ଆମର 6.25। ତାପରେ 2.4ର ସ୍କୋୟାର ଆମର କେତେ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 24ର ସ୍କୋୟାର ଆମେ ଜାଣିଛେ 576। ତାପରେ ଯେହେତୁ ଦଶମିକ ଅଛି ଆମେ ପକେଇଦେବା 5.76। ତାପରେ ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଦେଇଦେବେ ଉପରେ, ଯେଉଁଟାକି 6.25ରୁ 5.76କୁ ମାଇନସ୍ କରିବେ। ମାଇନସ୍ କଲେ ଆମର କେତେ ବାହାରିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏପଟେ ଅଛି 5, ଏପଟେ ଅଛି 6, ଆମେ ଯଦି କାଟିବା ଏଇଟା ହେଇଯିବ 9, 15ରୁ 6 ଯିବ ସେଇଟା ଯିବ 9, ତାପରେ 1 ରହିବ ଏପଟେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହେଇଯିବ 4, ଏପଟେ ପଡ଼ିଯିବ 0, ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ହେଇଯିବ ଆମର, ଯେହେତୁ ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ଆଉ 0.49ର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଆମର କେତେ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ହେଇଯିବ 0.7 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ 50 ମିଟର ଗତି କଲା ପରେ ସେଠାରୁ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ପୁଣି 120 ମିଟର ଗତି କଲା, ଗତି କରି ବି ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାହେଲେ ଏ ଠାରୁ ବିର ଦୂରତା କେତେ, ତ ଆମେ ୟାକୁ ଡାଇଗ୍ରାମ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପିକ୍ଚର ଡ୍ର କଲେ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରିଲା, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏ ସ୍ଥାନ, ଏ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗତି କଲା, ତ ପୂର୍ବ ହେଉଛି ଆମର ଏଇପଟ ସାଇଡ଼, ତ ଏଠି ଆମେ ଏ ଦେଇଦେବା। ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗତି କଲା, ତ କେତେ ଗତି କଲା, 50 ମିଟର ଗତି କଲା। 50 ମିଟର ଗତି କଲା ପରେ ସେଠାରୁ ଉତ୍ତରକୁ ଗଲା, ମାନେ ଉପରକୁ ଗଲା, ଆମର ଉପରେ ଉତ୍ତର, ତ ଉପରକୁ ଗଲା, ଉପରକୁ ଯାଇକି ସେଠି ବିରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ତ ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି 120। ତାହେଲେ ଏ ଠାରୁ ବିର ଦୂରତା କେତେ, ମାନେ ଏ ଠାରୁ ବିର ଦୂରତା କେତେ, ଆମକୁ ଏଇ ବାହୁଟା ହିଁ ପଚାରିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଟ୍ରିକିରେ ପଚାରିଛି। ଆମେ ପିକ୍ଚର ଡ୍ର କରିଦେଲେ ଆରାମସେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଉଛି, ଆଉ ମୋର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏସିର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବିସିର ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏବିର ସ୍କୋୟାର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଫର୍ମୁଲା। ତ ଆମକୁ 50 ଦେଇଛି, 120 ଦେଇଛି, ଏଇ ବାହୁଟା ଆମେ ଆରାମସେ ବାହାର କରିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 120ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 50ର ସ୍କୋୟାର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 120ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 50ର ସ୍କୋୟାରର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ବାହାର କରିଦେଲେ ଆମର ହେଇଯିବ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆକୁ ଆପଣ ସଲ୍ଭ କରିକି ବାହାର କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି 120ର ସ୍କୋୟାର ଆମର କେତେ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 120ର ସ୍କୋୟାର ଆମର ହେଇଯିବ 14,400 ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଦେଇଛି 50ର ସ୍କୋୟାର ଆମେ ଲେଖିଥିଲେ, 50ର ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ ଆମର 2,500। ତ ତାପରେ ପଚାରିଛି ଯେ ଆର ରୁଟ୍ ଓଭର୍, ତ 14,400 ତାପରେ 2,500କୁ ମିଶାଇଲେ ଆମର କେତେ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହେଇଯିବ 16,900। ତାହେଲେ 16,900ର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ କେମିତି ବାହାର କରିବା, ବହୁତ ହି ସିମ୍ପୁଲ। 169 କାହାର, 169ର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିଛେ, 169ର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ 13। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେହେତୁ ଏଠି 2 ଶୂନ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଠି 1 ଶୂନ ବସାଇଦେବା, ଆମର ଆନ୍ସର୍ ବାହାରିଯିବ 130। ପ୍ରଥମେ ଆମର ଯେହେତୁ 0 ଅଛି, 0କୁ ଆମର ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରଥମରୁ, ପ୍ରଥମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ନେଇଯିବେ, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାତକ ଅଛି 169 କାହାର ବର୍ଗ ସେଇଟା ଭାବିବେ, ଯେଉଁଟାକି 13ର ବର୍ଗ, 13କୁ ଲେଖିଦେବେ, 0 ଯେହେତୁ 2 ଅଛି, ଗୋଟେ 0 ପକେଇଦେବେ, ଆମର ଆନ୍ସର୍ ବାହାରିଯିବ ଯେଉଁଟାକି 130 ମିଟର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି। କୌଣସି ଚତୁର୍ଭୁଜର ଦୁଇ ଯୋଡ଼ା ବିପରୀତ ଭାବ ସମାନ ହେଲେ ଚିତ୍ରଟି କ'ଣ ହେବ, ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ନା ଟ୍ରାପିଜିୟମ ନା ରମ୍ବସ ନା ବର୍ଗ ଚିତ୍ର। ତ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ସିମ୍ପୁଲ, ଦୁଇ ଯୋଡ଼ା ବିପରୀତ ଭାବ ସମାନ ଦେଇଛି, ତ ଦୁଇ ଯୋଡ଼ା ବିପରୀତ ଭାବ ସମାନ ହେଲେ ଆମର ସେଇଟା ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ହେଇଯିବ। ତ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଉତ୍ତଳ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ଏକ କେଉଁ ସେଟ୍, ତାହେଲେ ଉତ୍ତଳ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ସେଟ୍, ଅବତଳ, ପରିପୂରକ, ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ ନା ଉତ୍ତଳ। ତ ଗୋଟେ ଉତ୍ତଳ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ ହିଁ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍।
तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कोन देछि एको चतुर्भुज ओ एहार अंतरदेशर संयोगरे गठित सेट को कोन कहा जाय तले गोटे चतुर्भुज ओ तार अंतरदेश माने एटा गोटे होछि चतुर्भुज चतुर्भुजर अंतरदेश आ चतुर्भुजर संयोगरे गठित सेट को हमर चतुर्भुजाकार क्षेत्र बोली कहा जिव आयतक्षेत्र वर्गचित्र रम्बस हबनी काहेकिना हमर आयतक्षेत्र को आमे चतुर्भुज कहिबा वर्गचित्र को भी चतुर्भुज कहिबा रम्बस को भी आमे चतुर्भुज कहिथाउ तले एटी कोडा आंसर हबो ए तीनटा भितर किछि आंसर हबनी आंसर चतुर्भुजाकार क्षेत्र जोटा कि ऑप्शन बी ही राइट आंसर कहीं चतुर्भुजाकार क्षेत्र में आम आयतचित्र भी जाऊँच वर्गचित्र भी जाऊँच रम्बस भी जाऊँचर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते कौन दे 20 मीटर उच्च गोटे ताल गछ झड़े नई पड़ तार अग्रभाग मूल ठार 12 मीटर दूर से अवस्थित एक स्तंभर अग्रभाग को स्पर्श कला स्तंभटीर उच्चता निर्णय कर तेले ए टाइप क्वेश्चन को आम कमी करवा यहाँ भी बहुत सिंपल क्वेश्चन तो देखो आमको देखिए 20 मीटर उच्च गोटे ताल गछ तो ये आम गोटे ताल गछ कले जोटा कि आमर एटा होछि ताल गछटा होछि 20 मीटर तले से ताल गछटा आमर झड़े नई पड़ा तले सेटा जो नई पड़ा एटा एमती नई पड़ा तो नई पड़ा जेहेतु एटा होछि आमर 20 मीटर ताल गछटा जो नई पड़ा तार उच्चता भी से 20 मीटर तले नई पड़ला परे से तार अग्रभागटार मूल ठार 12 मीटर दूर रे माने एटा होछि तार मूल ठार 12 मीटर दूर जोटा कि 12 मीटर दूर रे अवस्थित गोटे स्तंभर अग्रभाग को स्पर्श कला तले गोटे स्तंभर अग्रभाग तले 12 मीटर दूर रे हमर गोटे स्तंभ थिला जेटा कि एटा होची से स्तंभ तले से जो ताल एई ताल गछटा जो नई पड़ीला से एई स्तंभर अग्रभाग को स्पर्श कला तले मु भाबचे एबे आपण माने आराम से क्वेश्चन रा आंसर बाहर करि परबे काहेकि ना हमको पचारची जे स्तंभटी रा उच्चता एटा ही हमको पचारची क्वेश्चन रे आरो उच्चता केते जोटा कि हमर एटा देछि 20 एटा देछि 12 तले एटा रा उच्चता केते आपण माने आराम से बाहर करि परबे काहेकि ना आरो फार्मूला हमर 20 रा स्क्वायर माइनस 12 रो स्क्वायर हमर बाहर कर देले ए स्तंभर उच्चता बाहर जीव जोटा कि 20 रा स्क्वायर होछि हमर 412 रा स्क्वायर होछि हमर 144 तो 400 रो 144 फेडंतु जोटा कि आम बाहर जा 256 तो 256 कहार वर्ग कहीं आम रूट ओवर बाहर करार अच्छे 256 हूँ आम 16 वर्ग तो आम आंसर ऑप्शन डी जोटा कि ऑप्शन डी 16 मीटर आम स्तंभटी उच्चता हूँ ऑप्शन डी तो ये टाइप क्वेश्चन आपने पिक्चर ड्र करेंगे डायग्राम ड्र कलापर जा टाइप क्वेश्चन सबर आंसर आपड़ बाहर करेंगे कहीं देखला बेलू को बहुत ही कष्ट लगुच्छे यहाँ केमी बाहर कि पिक्चर ड्र कर सारापर आम फर्मूला यही पड़ा आमको पूरा देखा जाए फर्मूला ये पड़ा से प्रथम डायग्राम ड्र करदे डायग्राम ड्र कर सारापर क्वेश्चन आंसर आराम से बाहर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते कौन दे गोटे समबाहु त्रिभुजर परिसीमा 24 सेमी हेले यार उच्चता के तो आमर समबाहु त्रिभुजर परिसीमा 24 सेमी तो बाहूर दैर्घ्य आम बाहर करदे आमर परिसीमा बाय 3 कहीं समबाहु जेहेतु बाहू मानक तीन टा जाक बाहूर दैर्घ्य सामान से 24 बाय 3 करदे तो बाहूर दैर्घ्य बाहरी गला 8 सेमिटर तो उच्चतार फर्मूला हूँ आम रूट 3/2 इंटू बाहू जोटा कि रूट 3/2 ए जोटा कि आम ए हूँ बाहू तो आम उच्चतार दैर्घ्य आम बाहर करें फर्मूला रूट 3/2 इंटू 8 जोटा कि 2/8 कटिगला आमर आंसर बाहर जा 4/3 जोटा कि आम ऑप्शन ए ही आम राइट आंसर जोटा कि 4/3 सेंटीमीटर तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते कौन दे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल 900 वर्ग मीटर यार परिसीमा निर्णय कर तो वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल दे 900 मैंने आम जानचे क्षेत्रफल सूत्र हूँ बाहूर स्क्वायर तो बाहूर स्क्वायर जेहतु आम क्षेत्रफल दे 900 बाहूर आम बाहूर बाहू के मीटर केमी बाहर करवा जोटा कि 900 रूट ओवर आम बाहर करदे जोटा कि आम 30 बाहू बाहरी गला 30 मीटर तो परिसीमा आम जानचे 4 जोटा कि 4/30 जोटा कि 120 मीटर जोटा कि ऑप्शन सी हो राइट आंसर तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते कौन देखिए त्रिभुजर भूमि देखिए 25 मीटर उच्चता देखिए 4 मीटर तो क्षेत्रफल केटा बहुत सिंपल त्रिभुजर ट्रायंगल क्षेत्रफल आम सूत्र जानचे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जोटा कि आम बेस देखिए भूमि देखिए जोटा कि 25 मीटर हाइट देखिए 4 मीटर जोटा कि आम बाहर करें हाफ इंटू 4/25 जोटा कि 2/4 कटला 2/25 × 2 होगा 50 वर्ग मीटर जोटा कि 50 वर्ग मीटर आमर आंसर हो तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते कौन दे गोटे सामांतरिक क्षेत्र में दुईट सन्निहित बाहू एक कर्णर दैर्घ्य देखिए जोटा कि 26/28/30 तेल क्षेत्रफल के आम डायग्राम ड्र करूँ गोटे सामांतरिक क्षेत्र में दुईट सन्निहित बाहू दुईट सन्निहित बाहू मानने पखापाखि लगालगी बाहू तो गोटे आमको 26 आ गोटे 28 तो यहाँ को आम 26 नहीं जावा यहाँ को 28 नहीं जावा आ कर्ण देखिए आमको
तीरिश तो तीन टा बाहू दे पचारे सामांतरिक क्षेत्र क्षेत्रफल केमक पचार तो आमको गोटे ट्रायंगल देखे से ट्रायंगल क्षेत्रफल बाहर कर आम केमी बाहर करदी गोटे विषम बाहू त्रिभुजर आम क्षेत्रफल केमी बाहर करता प्रथम एस बाहर करतापर आमर जो गोटे फर्मूला अच्छे ये फर्मूला तो आपने पढ़ी थे जी मन ना मन पक दिखे एस होल इंटू जो एस माइनस एपर एस माइनस बी तापर एस माइनस सी ए फर्मूलाटा आपण मैंने पढ़ी थे हाईस्कल जोटा कि फर्मूला आम रही है जोटा कि विषम बाहू जो बाहू तीन टा जगार दैर्घ्य असमान दे था आम ए फर्मूलाटा पकई था प्रथम पकई था ए प्लस बी प्लस सी बै टू जोटा कि एस बाहर करता एस बाहर कर सारापर यही फर्मूलाटा पकई था भावे मन पड़ जा तो यही फर्मूला पकईकि आम यही ट्रायंगलर क्षेत्रफल प्रथम बाहर करदे तो से प्रथम आमको एस बाहर करने पड़ो एस केमी बाहर करूँ छबिश मिशाण अठाईस मिशाण तीस बै टू तो छबिश मिशाण अठाईस मिशाण तीस बै टू से छबिश को अठाईस को आस को मिशात जोटा कि आमर हो 84 हम 26 30 28 मिशा तो 84 होइजिबो और 84 बाय 2 जोटा कि हमारा 42 मीटर होइजिबो तो एस बाहरी गला 42 मीटर तापर एठी हमें फॉर्मूला रे पुट कर देबा जोटा कि 42 को 42 एठी रहिला तापर एस माइनस ए जोटा कि 42 माइनस ए माने 26 तापर पुनी 42 माइनस 28 तापर पुनी 42 माइनस 30 तापर आरो रूट ओवर तो आपको भावुचे आप सॉल्व करें 42 42 माइनस 26 आपको फेड़ीदे 42 को 28 रे फेड़े 42 को 30 रे फेड़े जोटा कि क्षेत्रफल बाहर करेंगे आपण मैंने बाहर करूँ जोटा कि मुझे केवल आंसर कहूँ आपँ जोटा कि आम बाहर जाए 336 यहीटा आम आंसर नुह देखु यहीटा को बाहर करेंगे जोटा कि आपण मानक बाहर जाए 336 प्रथम फर्मूला पक बाहर करूँ निजे बाहर कले जापर जे केमी बाहर जोटा कि 336 बाहर बाहर कलापर आम बाहर आम जो ये सामांतरिक क्षेत्रटा करते गोटे ट्रायंगल बाहर आम यही ट्रायंगल बाहर क्षेत्रफल 336 वर्ग मीटर तो यही ट्रायंगल क्षेत्रफल पुणी आमको बाहर करा पड़ो यही ट्रायंगल क्षेत्रफल आमको जेहेतु बाहू भी देनी कि बाहर करवा दरकार ना कहीं सामांतरिक क्षेत्र जेहेतु यही ट्रायंगल क्षेत्रफल जी हम यही ट्रायंगल भी क्षेत्रफल से हम दुईट जाक ट्रायंगल क्षेत्रफल सामान हम से सामांतरिक क्षेत्र क्षेत्रफल आमको ये क्वेश्चन पचार तो 236 करदे जोटा कि 336 को 2 गुणीदे जोटा कि आम बाहर जाए 672 जोटा कि आम सामांतरिक क्षेत्र क्षेत्रफल बाहर जाए 672 वर्ग मीटर जोटा कि ऑप्शन सी होमर राइट आंसर तो बुझीपारे केमी आम सॉल्व कले प्रथम विषम बाहू त्रिभुज जोटा तार क्षेत्रफल बाहर करदे जोटा कि फर्मूला पकईकि आम बाहर कले फर्मूला पकईकि बाहर करदे जोटा कि 336 बाहर तेल यही ट्रायंगल आम बाहर करदे क्षेत्रफल 336 आर भी 336 हो कहीं सामांतरिक क्षेत्रफल जेहे तापर दुईटा जाक मिसईदे दुई में गुणीदे सामांतरिक क्षेत्र क्षेत्रफल बाहर जाटा कि 672 वर्ग मीटर तेल बुझीपारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ट्रापिजियम दुई समांतर बाहूर मध्यवर्ती दूरता तो यहाँ आमर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देखो ट्रापिजियम दुईट समांतर बाहू मान यही बाहूर मध्यवर्ती दूरता जोटा कि आम हाइट जोटा कि उच्चता आम ऑप्शन बी हो राइट आंसर तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन दे ड्यास्र कर्णद्वय परस्पर को समद्विखंड करती तो कहार कर्णद्वय परस्पर को समद्विखंड करती सामांतरिक चित्र वृत्त रंबस ना त्रिभुज तो यहाँ भी बहुत सिंपल कहार कर्णद्वय समद्विखंड करते आंसर कौन होमर आंसर हो सामांतरिक चित्र सामांतरिक चित्र कर्णद्वय परस्पर को समद्विखंड करते आमको ये पचारे परस्पर को समद्विखंड करते हैं जदि पचार परस्पर को समकोण से समद्विखंड करते हैं सहीटा आमर हो रंबस कहीं रंबसर कर्णद्वय परस्पर को समकोण से समद्विखंड करते कि सामांतरिक चित्र कर्णद्वय परस्पर को समद्विखंड करते हैं आंसर है ऑप्शन ए तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आमको डीबीसी आंगल आउ बीसी आंगल दे मानने डीबीसी कोण आउ बीसी कोण मिसिके क्यों कोण ठार मानने कौटा ग्रेटर देन हम कौ कोण ठार ये दुईट कोण मिसिके बड़ हम ए कोण ना टू ए कोण तापर थ्री ए कोण ना फोर ए कोण मैंने ए रमर ए कोण दुई गुण ना ए कोण तीन गुण ए कोण चार गुण ना खाली ए कोण तेल ये आम आंसर कौन हो तेल आमको प्रथम देखूँ ये जो ए कोणटा विषय में आमको पचारे ए कोणटा आमको बड़ हम खाली ए कोण ना टू ए कोण ना थ्री ए कोण ना फोर ए कोण तो डीबीसी आम प्रथम देखूँ डीबीसी कोण होमर यहाँ आउ बीसी कोण होटा तो गोटे ट्रायंगल यहाँ हूँ एबीसी हूँ आमर गोटे ट्रायंगल
तो आमर जेहेतु एबीसी रा आमर बहिस्त कोण के ए जो सीबीडी कोण गोटे एबीसी कोण रो एबीसी ट्रायंगल रो बहिस्त कोण जेहेतु गोटे बहिस्त कोण आमर ए कोण थारु ए बीसीडी कोण बड हबो बीसीई कोण भी मध्य बड हबो ए दुईटी कोण आमर ए कोण टु बड हबो एटा आमे जानि पारले तो जेहेतु आमे एतिकी जानि पारले तो देखंतु आमर जदि डी बी सी कोण आमर ए कोण थारु बड हबो तापरे बी सी ई कोण भी मध्य ए कोण ठारु बड़ हबो दुटा जगह को मिसई दिंतु आगे जब आम मिसई दबा डीबीसी कोण मिसाण बीसी कोण जोटा कि आमको क्वेश्चन पचार तो ये दुईट ए कोण आउ गोटे पुणी आउ गोटे ए कोण तो ए कोण मिसाण ए कोण जोटा कि आम हो टू ए कोण जोटा कि ऑप्शन बी हो राइट आंसर तो आज आम ये क्वेश्चन डिस्कस करवा आ नेक्स्ट जहाँ सब क्वेश्चन रहा आ नेक्स्ट क्लास डिस्कस करवा तो मुझे भावे आम जहाँ भी आज सब क्वेश्चन डिस्कस कले आपस्ते बुझीपारी आदि भी कोई क्वेश्चन डाउट रहा मत पचारि पारती कमेंट बक्स में तो आज जब क्लासटी भी भल लगे क्लासटी को गोटे गोटे लाइक कर दिंतु आपंक फ्रेंड्स मानक भी सेयार करूँ आदि आम चैनल फर्स्ट टाइम पे क्लास फर्स्ट टाइम पे वीडियो देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके पाखे बेल बटन प्रेस कर दिंतु कहीं नेक्स्ट जिते मुझे सब क्लास अपलोड करी आपण मन पाखे प्रथम वीडियो पहुँची जा।